जय गुरु जी, तन तन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वी लव यू गुरु जी। गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना आज के सत्संग वास्ते, हम सबको चरणों में बुलाने के लिए अनंतम 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 शुक्राना। गुरु जी की सारी प्यारी प्यारी संगत जी का बहुत बहुत वेलकम है। जय गुरु जी। इट इज सो ओवरवेलमिंग एंड सच अ बिग शुक्राना कि आज हम सब साथ बैठ के ऐसे सेलिब्रेटरी मोमेंट्स कर सकते हैं गुरु जी के साथ। सबसे बड़ा शुक्राना ही मेरे लिए, कोविड टाइम्स आए भी चले भी गए ना भी हो, तब भी गुरु जी की असीम कृपा से मौज में रख रहे हैं। गुरु जी सबको मौज में रख रहे हैं, उसी का अनंतम 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 शुक्राना, लख वाली शुक्राना। गुरु जी इज वेरी काइंड, वेरी लविंग, वेरी अमेजिंग एंड कंटिन्यूसली ब्लेसिंग ईच एंड एवरी संगत वेर एवर दे आर। सो जितना भी बोले उतना कम है। आज ड्यूरिंग द लंगर स्नैक प्रसाद जब चल रहा था, तब एक फैमिली केम आउटसाइड एंड दे जस्ट वॉन्टेड टू बी, दे जस्ट केम, दे आर प्रोबेबली लिविंग हियर, दे आर अ कन्नड़ फैमिली एंड दे जस्ट वॉन्टेड टू कम एंड एंटर। उनको ऐसे भाव आए कि उनको बस अंदर आना था, जस्ट वॉन्टेड टू बी हियर। देन आफ्टर कमिंग आउट दे एक्चुअली आस्क्ड अबाउट गुरु जी, तो दे वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड माई हिंदी एंड टॉक टू मी इन हिंदी, बट देन एक आंटी थी, उन्होंने सब कुछ उनको समझाया एंड इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल ब्लेसिंग कि कैसे किसी को ऐसे भाव जागते हैं। इतने सारे लोग हुए होटल में, एक फैमिली को ऐसा भाव जागा कि यहाँ आना है, ये खिंचाव सिर्फ परमात्मा दे सकते हैं। एंड आत्मा जो होती है वो परमात्मा को पहचान ही जाती है, नो मैटर व्हाट द एज, नो मैटर व्हाट द एज। वी कैन, आई कैन ओनली से दैट विद गुरुजी'स इमेंस ग्रेस, इट टुक मी 4.5 years टू कम टू गुरुजी'स दरबार, बट आफ्टर 3.5 years ऑफ कमिंग टू गुरुजी'स दरबार, आफ्टर दैट आई फाउंड आउट दैट 4.5 years बैक व्हेन आई फर्स्ट हर्ड द नेम गुरुजी, उसी टाइम मैं पहचान गई थी कि ये परमात्मा है, परमात्मा परमात्मा महाशिव है गुरुजी। और गुरुजी अपनी पहचान अपने आप ही देते हैं और हम सबको चरणों के से लगा के रखा है, उसका शुक्राना है। वैसे हम हमेशा ही, मेरे वाले अंकल मुझे बोलते रहते हैं, एक ही सत्संग बार बार शुक्राना करती रहती है, इसलिए आई एम मेकिंग एन एफर्ट नॉट टू से दैट सत्संग, लेकिन शुक्राना तो बोलना है। तो गुरु जी की कृपा से जैसे कोविड आके गया, वैसे कैंसर भी आके गया, और कैंसर के बाद कोविड भी आके गया, कोविड के साथ निमोनिया, निमोनिया के साथ सेप्टिक शॉक, सेप्टिक शॉक इज समवेयर वेयर द बॉडी शट्स डाउन कम्प्लीटली, ऑर्गन स्टार्ट शटिंग डाउन एंड इट्स ओनली विद गुरु जीज ग्रेस दैट। एक दिन अंकल और मी को बड़ा पॉपुलरली टॉम एंड जेरी बोला जाता है, तो एक दिन अंकल मुझे बड़बड़ कर रहे थे कि ये भी मैं करता हूँ, वो भी मैं करता हूँ, ये भी मैं करता हूँ, तुम करते क्या हो? मैंने बोला मैंने गुरु जी को प्रे किया था कि ये भी मैं नहीं कर सकती, वो भी मैं नहीं कर सकती, ये भी मैं नहीं करने वाली हूँ, आप देख लेना इसको जरा। तो अगर आप हो तो यू बेटर डू इट बिकॉज यू आर हियर, बिकॉज आई हैव प्रेड दैट आई कैन नॉट डू इट। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है, जितना भी करने मिले उतना कम है, बहुत 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 शुक्राना गुरु जी का। दो दिन पहले एक्चुअली व्हेन वी केम टू गुरु जी इस दरबार, हमारी एक बड़ी प्यारी सी आंटी थी, वो हमें हमेशा ही टॉम एंड जेरी कहती थी एंड एवरी टाइम एनीथिंग हैपेंड लाइक वी वुड बी लुकिंग, वन वुड लुक दिस साइड, वन वुड लुक दैट साइड, तो वो हमेशा ही बोलती थी टॉम एंड जेरी, ऐसे करके खुश होती थी एंड आई वुड लाइक शी डिडंट अंडरस्टैंड मी एट ऑल, यू नो। तो शुक्राना है गुरु जी का, ऐसे ही टॉम एंड जेरी से ही गुरु जी की कृपा से टेढ़ा है पर मेरा है। हम सभी ऐसे हैं तो शुक्राना, ऐसे ही जोड़े रखे। नो फाइव फिंगर्स आर अलाइक एंड नन ऑफ अस आर अलाइक, वी कैन नॉट बी लाइक ईच अदर,
अभी से लंगर नहीं देना है, कौन दे रहा है लंगर? सेंडिंग लंगर? नो, आज्ञा विल कम फॉर लंगर प्रसाद, तब आना है। गुरु जी की कृपा से, गुरु जी ने इतनी बेअंत ब्लेसिंग्स दी। सो लास्ट वीक्स वन सत्संग शॉर्ट में कोशिश करती हूँ, बिकॉज आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसनिंग टू गुलदस्ता ऑफ सत्संग्स टुडे फ्रॉम एवरीवन एल्स आल्सो। लास्ट वीक मैं गुरु जी की कृपा से भी इन बड़े मंदिर एक आंटी गए थे, एंड आंटी के साथ उनकी बेबी थी, उनकी मम्मी थी, उनकी सिस्टर थी और मैं थी। और जब हम लोग गए, एंजॉय किया, बहुत प्यार से मत्था टेका बड़े मंदिर में, बहुत खुश हुए। और खुश होके जब सैटरडे मॉर्निंग को हम रिटर्न होने वाले थे, तब जो आंटी थी हमारे साथ, उनकी मम्मी ने बोल दिया, आई कांट गो, आई एम वेरी टायर्ड एंड आई एम नॉट वेल एंड आई जस्ट कांट गो। तो मैंने बोला अच्छा, आई गो एंड सी हर टू डिफरेंट रूम्स, आई गो एंड सी हर। गुरु जी ने बोला नहीं, यहाँ नहीं रखना, इसे ले जाओ, तो निकाल उसे यहाँ से, ले जाओ उसको वहाँ। एंड आई वॉज लाइक, वो रेडी नहीं हो रही है, दो बहन यहाँ हैं, दोनों में से एक भी रेडी नहीं हो रही है, तीसरी को भी मैंने कॉल किया था, वो भी रेडी नहीं हो रही है। वो सब बहनें बोल रही है कि नहीं, आंटी प्लीज लेट इट बी। फिर मैं नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पे जाके बैठती हूँ। ब्रेकफास्ट टेबल पे टू सीटर टेबल मिला हमें, और बहुत सारे खाली थे, लेकिन 14 नंबर खाली था तो ले लिया। हम बैठे थे, फिर गुरु जी को बिठाया, वो आंटी कॉर्नफ्लेक्स लेने गई थी, वो कॉर्नफ्लेक्स लेके आई, तब तक मैंने गुरु जी से बात की थी, मैंने तो बोला नहीं है कि चलना ही है, मुझे तो रहने में भी प्रॉब्लम नहीं है, वापस आ जाएंगे बड़े मंदिर, लेकिन जाना है को अगर आपने बोला है तो आप ही गाइड कीजिए। इतने में वो वेटर आता है, एक कप चाय सामने रखता है, चाय रखता है और मुझे बोलता है इनके वास्ते। तो मैंने सोचा वो जो मेरे साथ आंटी आई थी वो कॉर्नफ्लेक्स लेने गई है, उसके लिए है। तो वो वापस आई और मैंने उसको बोला है ये तेरी चाय, बोलती मैं तो चाय नहीं मांगी। मैंने बोला वो बंदा बोल के गया आपके वास्ते, बोलती मैंने तो नहीं मांगी, मैं तो कॉर्नफ्लेक्स खा रही हूँ। बोला अच्छा तूने नहीं मंगाई, ओके गिव इट टू मी, एंड पुल करके ले ली। वो कॉर्नफ्लेक्स खा रही थी, मैं तो योगर्ट खा रही थी, मैंने योगर्ट साइड कर दिया, चाय ले ली। फिर एक अंकल का फोन आया, वो मुझे बोल रहे हैं कि चले जाओ, क्या हुआ, कैसा है, जा रहे हो? मैंने बोला हाँ जा तो रहे हैं, इधर जा ही नहीं रहे, कोई हिल ही नहीं रहा है यहाँ से, आने को भी रेडी नहीं है, कैसे जाए? तो बोलते निकलो यहाँ से, अगर रुक गए तो यहीं पे अटक जाओगे दिल्ली के बाद। क्योंकि वो जो सीनियर आंटी थी वो 80 ईयर ओल्ड थी, एंड शी हैड नॉट ईटन द अर्लियर द लंच डिनर एंड दैट डे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, तो खाना जा नहीं रहा था। तो फिर फाइनली आंटी को बोला कि चलो हैं, ऐसे नहीं होना है, शी सेड नहीं। मैं एंड देन गुरुजी ने ऐसी लीला रची कि मैंने बोल दिया नहीं चलो, मम्मी किसी और की, तीन तीन बहन, ब्रह्मा विष्णु महेश बहन है, वो तीनों मना करे, उन तीनों को पार करके मुझे माँ को यहाँ से बैंगलोर ले जाना था, वो इम्पॉसिबल टास्क था, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। लेकिन गुरुजी की कृपा से मैंने बोला चलो व्हील चेयर है, डन, व्हील चेयर में डाला। उन्होंने बोला मैंने गाउन पहना है, मैंने एकदम न्यू ब्रांड न्यू गाउन है, नो प्रॉब्लम, गाउन में चलो। लिफ्ट में हम उसमें व्हील चेयर में बैठते हैं, गाउन में बैठे, बिठा दिया कार में, कार में बिठा के जा ही रहे थे, इतने में अंकल, मैंने वो ड्राइवर को पूछा बेटा तेरा नाम क्या है, वो बोलते हैं नागराज। मैंने बोला फिर ठीक है, नागराज है तो फिर ठीक है। इतने में अंकल का फोन आता है बैंगलोर से, बोलते हैं मैंने तुम्हारे टिकट का ये बंदोबस्त किया हुआ है, तुम्हें काउंटर पे जाके नागराज को मिलना है। मैंने बोला फिर ठीक है जी गुरु जी। इन दैट मोमेंट विदाउट अ लॉस ऑफ अ मिनट, एंड मैंने बोला प्रोटेक्शन ऑफ द डिवाइन, लेट्स जस्ट गो, वी आर डूइंग, क्योंकि इट्स नॉट ईजी टू डू इट, यू नो। फिर 15-20 मिनट गई थी हम एयरपोर्ट पहुंचने की, कुछ पल दूर थे,
इतने में अंकल का फोन आता है, जस्ट फॉर योर नॉलेज दे मे रिजेक्ट हर एट द काउंटर. उनका फोन में इतना सेंटेंस कंप्लीट हो उसके पहले मैंने उनका फोन काटा. एक आंटी को बोला मम्मी के बाल बनाओ, दूसरी को बोला लिपस्टिक लगाओ, तीसरी को बोला अंदर कोरा सा दुपट्टा निकालो एकदम कांजी कड़क कांजी वाला दुपट्टा चाहिए. मैंने बोला फिर उनको यूं यूं किया, मैंने बोला वो जो व्हीलचेयर है ना एंगल से खड़ी रखना. वो लोग बोले कहाँ है मम्मी, तो यूं करके दिखा रहा दिखाना मत चेहरा, यूं करके लिटरली स्मगल करके आंटी को हम बैंगलोर ले आए. गुरु जी की कृपा से वो अच्छा रहा, नहीं तो अभी भी मैं दिल्ली में ही होती आंटी के साथ, आंटी की बेटियों के साथ और बेटी की बेटी के साथ. गुरु जी की असीम कृपा से दे आर हियर. आंटी इज ओके, शी इज क्लाइंबिंग 5 floors, सो शी इज ओके. उनकी लिफ्ट खराब है तो वो 5 floors कायम कर चढ़ रहे हैं, भूख भी लग जाएगी फिर तो इट्स ओके. शुक्राना है रब जी का, गुरु जी की गाइडेंस. हमें छोटी छोटी बात में हमें लगता है कि गुरु जी गाइड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. डायरेक्ट कनेक्शन की जो मौज है उस मौज में जो बेनिफिट्स है हर एक के लिए. ऐसा नहीं कि किसी और के थ्रू आंसर्स नहीं देते गुरु जी, कभी कभी एक आध दो जो दे देंगे, लेकिन जो डायरेक्ट कनेक्शन की मौज है वो उसका कोई तोल मोल ही नहीं है. एक हॉस्पिटल के ICU में अंकल ने एक ही बार किया था, मैंने बोला अब मेरा यहाँ तेरा कोई ना बेली राम है? अब कोई नहीं है तुम्हारा यहाँ पे, यहाँ से यू आर ऑन योर ओन, यू टॉक टू गुरुजी डायरेक्टली. और तब जब उन्होंने गुरुजी से बात की थी, उन्होंने सिर्फ मेरे साथ इतना किया था, दैट मच आई कैन नेवर फॉरगेट एंड आई कैन नेवर थैंक गुरुजी इनफ, क्योंकि वो कराने वाले भी गुरुजी ही थे. तो उसी का शुक्राना है कि डायरेक्ट कनेक्शन किया, नहीं तो मुझे बोलते हैं तुम पूछो हैं, तुम बोलो. मैंने बोला मैं नहीं बताती आप पूछो अपने आप. तो अभी और एक हमारा ही सत्संग गुरु जी की कृपा से. एक दिन मैं टीवी देख रही थी और टीवी में एक प्रोग्राम देख रही थी जिसके पार्ट मैंने देवो के देव महादेव नहीं देखा है, एक भी एपिसोड में नहीं देख पाती, सो जाती हूँ या फिर कोई फोन आ जाते हैं कुछ ना कुछ हो जाता है, गुरु जी देखने ही नहीं देते. लेकिन क्राइम पेट्रोल सारे पक्के हैं सारे के सारे देखे हुए हैं. तो एक दिन मैं देख रही थी और कोई भी ऐसा एपिसोड नहीं है, ट्रू स्टोरीज है ना, तो कोई भी ऐसा एपिसोड नहीं है जो मैंने मिस किया हो नॉर्मली. तो उसमें मैंने कभी नहीं देखा था कुछ भी ऐसा, लेकिन दैट डे अंकल मुझे बोलते सो जा, सोती क्यों नहीं हो, लेट हो गया, गेम खेलती रहती हो है, टीवी देखती रहती हो, हाँ हाँ ऐसा बोलने. लेकिन अपने सेवक की आप ही राखे, अपने सेवक की गुरुजी अपने आप ही जवाब दिलाते रहते हैं, हमें जवाब भी नहीं देने पड़ते गुरुजी की कृपा से. उसी आई हैड रिटर्न्ड वन डे बिफोर फ्रॉम दिल्ली और तब अंकल को मैंने बताया था. एक अंकल बता रहे थे जो गुरुजी से मिले हुए हैं कि हम बड़ी मस्ती करते थे गुरुजी के पास जब थे, टीनेज थे, बहुत मस्ती करते थे यंग बॉयज. और जब मस्ती करते थे तो कभी कभी गुरुजी हंसते थे, कभी नाराज हो जाते थे, तो बहुत ज्यादा मस्ती कर लेते थे, गुरुजी यूं हाथ नाभी में डाल देते थे और यूं घुमा देते थे, ऐसा बोला. एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज अबाउट इट बिकॉज आई हैड नेवर हर्ड दैट बिफोर. एंड मैंने बोला अच्छा, फिर बोलते 10 मिनट तक तो सुद्धि बुद्धि काम नहीं करती थी, ऐसा रहता था. बोला हाउ व्हाट एन अमेजिंग टाइम. तो वन ऑफ द थिंग्स आई शेयर्ड विद अंकल वाज ऐसा हुआ था. तो जिस दिन अंकल ने बोला टीवी बंद करो सो जाओ, उसी मोमेंट में टीवी पे सीन आया जिसमें वो इंस्पेक्टर है ना, वो बंदे को नाभि से पकड़ता है, यूं ट्विस्ट करता है इन दैट मोमेंट. एंड वी वर लाइक ओके. देखो मैंने बोला अपने सेवक की आप ही राखे, बीच में बोलना नहीं होता है गुरुजी और उनके बंदों के बीच में, जिसको जो करना है कर ले. तो शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही हर एक घर में गुरुजी यू नो मौज ही मौज भर दे, मस्ती ही मस्ती भर दे, शुक्राना ही शुक्राना भर दे. गुरुजी इज वेरी काइंड. जहाँ हमारी लाइफ आंसुओं से भरी हुई थी और जो आंसू खत्म ही नहीं हो रहे थे,
उनको गुरुजी ने ऐसी मस्ती में यू नो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया, हंसते 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 यू नो रोते रोते हंसा दिया। और एक नहीं अनेकों बार, हर एक बार गुरुजी ने हमें रोते रोते हंसाया है। तो लख बारी शुक्राना गुरुजी का, लख लख शुक्राना, बहुत ही ज़्यादा शुक्राना। स्टे कनेक्टेड टू गुरुजी ऑलवेज, टू स्टे ब्लेस्ड बाय गुरुजी ऑलवेज। जय गुरुजी।